थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ महेंद्र मौर्या फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का इस आफ्टरनून के सेशन में, इस फोर्सेज के डायनेमिक सेशन में, इस फोर्सेज की ग्रेट मीटिंग में मैं आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हार्दिक सभी भावी करोड़पतियों का अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत बड़ी यूनिक चीज मैं बताने वाला हूं, वो है माइंडसेट, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं सबसे बिग थैंक यू कहना चाहूंगा अपने सभी मेंटोर्स का, मिस्टर रामदेव सर का, प्रेम सर का, नेमराज सर का, परमेश्वर सॉरी पुष्पेंद्र सर का और यादवेंद्र सर का, राजेंद्र सर का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों को आज का ट्रेनिंग का सेशन संभालूं। तो मैं दिल की गहराइयों से सभी मेंटोर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे इस जिम्मेदारी के लिए उन्होंने सौंपा है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं इसको बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। अगर आपसे बातचीत करने में या फिर मेरे कोई शब्द ऐसे निकल जाए जिससे आपको दिल को थोड़ा बहुत ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांगता हूं। मुझे अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के माफ कर देना, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं जैसे कि 1000 लोग हमारे यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं, जिनको मौका मिला था वो लोग आ चुके हैं मीटिंग में, और जिनने लेट किया वो लोग नहीं आ पाए। कुछ लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं। पेशेंस का मतलब है जब सेशन 1-2 मिनट अगर चालू नहीं भी हो पाता है तो क्या करते हैं लोग, स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालने लगते हैं कि सर अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, हो सकता है सर कार ड्राइव कर रहे हो, हो सकता है सर कहीं थोड़ा सा बिजी हो, और ध्यान से उतर ही जाता है। यहाँ हम लोग सब भी इंसान है, कोई ऐसा तो नहीं है कि मशीन है तो टाइमर लगा के हमने रख दिया है और आराम से ऑटोमेटिकली काम कर देगी, ठीक है। 1-2 मिनट का ऊपर नीचे हो जाता है तो इस चीज से बिल्कुल भी आपको निराशा नहीं करना है, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट डालते हैं तो हड़बड़ाहट में आ जाता है हर इंसान कि क्या करूं, तो कभी कभी हो सकता है गलत बटन भी दब जाता है। तो इसलिए सभी लोग पेशेंस के साथ में काम किया करें, पेशेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आपके पास में पेन, कॉपी, डायरी अगर आपने रख ली है अपने पास में, तो वो लोग हैंड रेस करें जिन्होंने पेन, कॉपी, डायरी अपने पास में रखी है, वो लोग अपना हैंड रेस करें, क्योंकि लिखना और सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब नोट करना जरूरी है, जैसे हम पहले स्कूल में जाते थे, अपने क्लास जाते थे तो हमारी टीचर्स जो होते थे वो क्या कहते थे, बेटा होमवर्क तैयार कर लो, मैं आपको ये घर से करने के लिए दे रहा हूँ, ये आप घर से करके लेके आना, इनकी तैयारी आपको करनी है, तभी आप एग्जाम में फर्स्ट आ पाओगे, तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, राइट। तो वही चीज है कि हम लोगों को वही करना है। हमें जो भी चीज यहाँ से सीखने को मिलती है, मैं तो सही बातें 5 साल के बच्चे से भी सीख लूंगा और गलत बातें तो मैं 60 साल के बुढ़े से भी नहीं सीखूंगा जो गलत शिक्षा देता है। कभी कभी बच्चे हमें ऐसा राज बता जाते हैं, सक्सेस की ऐसी बातें बता जाते हैं, वो अपने छोटे छोटे कामों में वो हमारे लिए इतने शिद्दत से हमारे माइंडसेट को कर जाते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी को बखूबी आगे निभा सकते हैं। लेकिन वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। अपने अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। आज से पहले आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, आपने पास में आपके नॉलेज क्या है, ठीक है, उस नॉलेज को आपको जीरो करना पड़ेगा। मैं जब इस सिस्टम में आया था तो जीरो माइंडसेट के साथ में आया था कि मुझे इसका कुछ भी नहीं आता, फोर सेज का ऐप भी नहीं आता, ब्लॉकचेन का बी भी नहीं आता, ठीक है, क्रिप्टो का सी भी नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये सिस्टम होता कैसे है, कैसे काम करता है। लेकिन मैंने कहा जब सिस्टम में काम करना है तो सीखना बहुत जरूरी है, सीखूंगा जरूर। मैंने 7 से 10 दिन मैंने पूरे दिन ट्रेनिंग ली, मैंने कुछ भी नहीं किया, पूरे दिन कोई काम नहीं किया, ना किसी को मैंने इनवाइट किया, ना किसी को मैंने ये बताया कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ चीजें जो होती हैं हमारे, 200 लोगों ने यहाँ पे अपनी डायरी पेन कॉपी ले लिया है, थैंक यू सो मच, आप लोग महान हैं, लीडर हैं इस सिस्टम के। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने 7 दिन क्या किया था, 7 दिन मैंने इस सिस्टम को सीखा था। मैंने किसी को कॉल नहीं किया, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने फोर्सेस को ज्वाइन किया है। कुछ लोगों के जो गेस्ट होते हैं वो क्यों ज्वाइन नहीं कर पाते हैं वो मैं आपको बता दूं, किस लिए हम लोग पीछे रह जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेन चीज तो यह है कि हम लोग जो बेसिक नॉलेज होती है ना उससे अछूते रह जाते हैं। आप कभी कंप्यूटर की क्लास गए हो, अगर आपने कभी कंप्यूटर की क्लास अटेंड की है और कंप्यूटर आपने सीखने की कोशिश की है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो आपको उसके पुर्जों के बारे में बताता है, ये मॉनिटर है, ये माउस है, ठीक है, इसे सीपीयू बोलते हैं,
ये सारी चीज, ये इन्वर्टर है, इसमें करंट ऐसे जाता है, इनपुट ऐसे होता है, आउटपुट ऐसे होता है, कर्सर को यहाँ रखना चाहिए, ठीक है, कीबोर्ड को इस तरीके से चलाना चाहिए, ये कीबोर्ड है, वो उसकी पहले जानकारी देता है, जानकारी देते देते वो एक वीक निकाल देता है, उसके बाद कहीं आपको कंप्यूटर पे आपको लिखने को भी देता है, एक कॉपी देता है, कहता है बेटा ये कॉपी बनाओ और इस कॉपी से आप सीखो, ठीक है, घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करो, इसके पार्टों के बारे में सीखो कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को वो टीचर से सिखाते हैं। फिर क्या करता है, सबसे पहले वो हमको बेसिक नॉलेज देता है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देता है, बेसिक नॉलेज से हमको स्टार्ट करता है, फिर वो पावर पॉइंट पे लाता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट पे लाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वहां से सीधे एक एक स्टेप हमको सिखाता है, एक एक स्टेप हमको सीखना पड़ता है। तो वही चीज मैंने किया, 7 दिन मैंने सोचा कि मैंने लाइफ में अगर सीखा नहीं तो लोगों को बताऊंगा कैसे, लोग मेरे पे भरोसा कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, कॉल लेने पे बाद में मैं कह रहा हूँ सर ये मेरे अपलाइन है आप अपलाइन से बात करिए, तुरंत सामने वाले के बीच में तुरंत वो उसका कॉन्फिडेंस जो होता है 50% वहीं गिर जाता है, वो कहता है इस व्यक्ति को तो कुछ नहीं आता, ये अपने अपलाइन से बात करा रहा है, ठीक है। तो मेन चीज यही है कि वो अपलाइन की बातों को ध्यान ना सुन करके वो उनको क्यों सुनेगा, क्योंकि आज तक उसने आपके अपलाइन को देखा नहीं, आज तक उसने अपने अपलाइन से आपके बात नहीं की, उनको जानता पहचानता नहीं है। अगर आपसे बात कर रहा है तो वो व्यक्ति आपको जानता है, आपको पहचानता है, तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ, सामने वाला चाहे कितना ही बड़ा कॉन्फिडेंस का क्यों ना हो, उसका कॉन्फिडेंस जीरो कराना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो नॉलेज हमको अपने अंदर ग्रेन करनी है, वो कहाँ से आएगी, वो ट्रेनिंग से आएगी, वो सेशन से आएगी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे, मैं अपने अचीवमेंट की बात मैं करूँ फोर्सेस से, तो लगभग यहाँ से मैं 9 से 10 महीने के अंदर लगभग $37,000 की मैं यहाँ से अर्निंग कर चुका हूँ, और टोटल इनकम की बात करूँ तो 32 से 33 लाख रुपए मैंने यहाँ से 10 महीने के अंदर कमाया है। और यहाँ से मैंने अभी 4 दिन पहले फर्स्ट मॉडल, ठीक है, स्विफ्ट BXi कार मैंने यहाँ से अचीव करी है, आप लोगों के साथ पास में शायद फोटोज वगैरह या फिर किसी ना किसी मीटिंग में आपको बताया गया हो, ठीक है, नेशनल मीटिंग में भी मैंने अनाउंस में बताया था। लेकिन ये हुआ कैसे, आखिर इतना बड़ा अचीवमेंट, मेरे खानदान में किसी ने आज तक मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, मोटरसाइकिल भी खरीदी तो वो मैंने ही खरीदी, ठीक है, कार भी खरीदी तो मैंने ही खरीदी, बाकी आज तक मेरी जितनी पिछले की पीढ़ी थी उन पे आज तक साइकिल के अलावा कभी उनने मोटरसाइकिल खरीदने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि माइंडसेट नहीं था, ठीक है। अब ये तो था आपको थोड़ा सा आगे रिझाने का, आपको आगे समझाने का कि किस तरीके से हमको वर्क करना है, किस तरीके से हमें अपना माइंडसेट करना है। अब बात आती है माइंडसेट होगा कैसे, कहने से थोड़ी हो जाएगा, माइंडसेट होगा कैसे उस चीज को हमें समझना है। डियर फ्रेंड्स, आप अपने सपने बड़े करिए, हर मीटिंग में आपको ये बताया जाता है, अगर आपके सपने बड़े नहीं है, अगर आपके जो आपकी इच्छा है ना वो बड़ी नहीं है, तो ईश्वर आपको उतना ही देगा जितना आप अपने मन में सोचते हैं। आप करने से पहले डर जाते हैं। आज से 8-10 दिन पहले या फिर 15-20 दिन पहले रामदेव सर से मेरी बात होती है, ग्रेट मेंटोर से मेरे, नेमराज सर भी लाइन पे थे, सब लोगों से बात होती है। मैंने कहा सर मैं कार लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो रामदेव सर बोले बहुत अच्छी बात है, कब निकाल रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं निकालूंगा करीब मार्च या अप्रैल के बाद ही निकाल पाऊंगा, अभी नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। लेकिन उनको मैंने बताया नहीं था कि सर मैं सरप्राइज दूंगा, मैं उससे पहले ही निकाल लूंगा, ये किसी को भी पता नहीं था। प्रेम सर बोले कारवार हो जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो महेंद्र जी, अभी आप वर्क करो, ठीक है। लेकिन मुझे दिल में वो चुभन थी ना कि मैं ठंड में जाता हूँ तो बाइक में मेरे हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, माँ को लेके जाता हूँ तो एक हवा लगती है, तो दिल में दर्द होता था कि आखिर पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, अगर जिंदगी में आज कार में नहीं बिठाया ना माँ को, तो वो दर्द महसूस होगा कि इतना बड़ा बिजनेस करने का मौका मिला जहां पे लोग एक दिन में लाखों रुपए कमा रहे थे और कह रहे थे कि सिंगल डे में कार कमा लेते हैं लोग। मैंने वो अचीवमेंट यहां से किया 31 जनवरी 2023 को, जो मेरी अर्निंग रही है वो 12,000 BHD की रही है, और उसी 12,000 BHD से मैंने कार परचेज की है। ये सपना मेरा सच हुआ, फोर स्टेज में सिंगल डे में मैंने एक दिन की इनकम में मैंने कार खरीदी है, ये मैंने इतिहास अपनी टीम में रचा है, और आप लोगों ने भी बहुत बहुत बड़े इतिहास रचे हैं। तो इतिहास रचने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है ये हवा में हो गया, ऐसा नहीं है कि एकदम पलक झपकाया और पैसा आके गिर गया, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके पीछे क्या था, माइंडसेट था। माइंडसेट कैसा होना चाहिए, अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है,
आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है तो आपको और मेहनत करने की और जरूरत है, क्योंकि जब कार स्पीड में होती है, जब हमारी ट्रेन स्पीड में होती है, जब हमारा कोई काम स्पीड में होता है तो उसको डाउन नहीं करना चाहिए। जब हाँ देख लें मोड़ आ रही है कुछ, तब थोड़ा सा हल्का ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन उसको और स्पीड देना चाहिए और ऊंचाइयों तक लेना चाहिए। अगर आपका काम सही चल रहा है, आपकी टीम सही से काम कर रही है, तो अपनी बिल्कुल ढिलाई नहीं करनी चाहिए, कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मैं अगर अपनी टीम की बात करूं तो अपनी टीम में मैं बिल्कुल भी ढिलाई नहीं आने देता हूं। जैसे ही मॉर्निंग में 6:30 बजते हैं 300 लोगों का सेशन हमारा और प्रेम सर का होता है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो उस सेशन का मजा लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसमें 90% लोग ऐसे हैं जो 6:30 बजे उठ ही नहीं पाते थे, लेकिन हमने सेशन कर करके उनको फोन कर करके बुला के हमने क्या किया, हमने उनको 6:30 बजे उठने की आदत डाल दी। अब अगर 6:30 बजे का सेशन एक दिन मिस भी हो जाए ना उनका, तो ऐसा लगता है उनके लिए जैसे उनने कुछ खो दिया हो आज, ठीक है। तो टीम की जो बाउंडेशन है, उस बाउंडेशन की जो बाउंड्री है, वो हमने इतनी मजबूत तरीके से क्रिएट की है कि उस बाउंड्री को तोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि हमने हर एक चीज सिखाने की कोशिश की है। उनका माइंड सेट हमने ऐसे कराया है ताकि वो लोग अपने जीवन में आगे बेहतर बन पाए। रामदेव सर को क्या जरूरत है 2 बजे वाला सेशन करने की, ऑलरेडी उनके पास में डॉलर आ रहे हैं, ऑलरेडी वो बीएचडी अर्न कर रहे हैं, बहुत सारी टीम है, किसी को भी डायरेक्ट लगा लेंगे, कोई भी उनका इनकम देख के डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन क्या जरूरत है उनको 10:30 बजे सेशन करने की, 6:45 पे आप लोगों को बुलाने की कोर टीम में, वो किस लिए? मेरे लिए नहीं, या वो अपने लिए नहीं, वो पूरी इंटायर टीम के लिए मेहनत करते हैं। इस मेहनत को हमें समझना होगा, इस माइंडसेट को हमें समझना होगा। सोच के देखिएगा, 7:55 वाला सेशन पर डे होता है, आप चाहे जाएं उस सेशन में या ना जाएं, लेकिन फिर भी वो हाउसफुल रहता है। वो क्यों रहता है? वो किसी और के लिए थोड़ी है, वो हमारी तुम्हारी टीम के लिए वहां पे मौजूद है, और वो इसीलिए वहां पे माइंडसेट को बिल्डअप किया जाता है, ताकि आप लोगों के बीच में बहुत सारे खुरापाती लोग आते होंगे, अरे 4 दिन चलेगी, 5वें दिन बंद हो जाएगी कंपनी, भाग जाएगी, पैसा लेके भाग जाएगी, लोगों का डूब जाएगा, ऐसे सवाल आपके सामने बहुत लोग करते होंगे, क्योंकि उन्होंने फोर्सेज को देखा ही नहीं आज तक, फोर्सेज की गहराई को नहीं जाना, फोर्सेज आखिर है क्या। आप अगर एक्स कंपनी में काम कर रहे थे, आज सहारा जैसी कंपनी चली गई, पल्स जैसी कंपनी चली गई, ठीक है, उनका कोई कुछ उखाड़ पाया, ठीक है। विजय मान लिया आज लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से लेके चला गया, बैंक वालों से कर्जा लेके चला गया, वो विदेश में जाके बैठा है, उनका कोई कुछ उखाड़ पाया। लोग कहते हैं कि वो पैसा आ क्यों नहीं रहा, उसकी एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार के कितने दांत खट्टे हो जाते हैं ऐसे लोगों से पैसा निकलवाने में, ठीक। तो वही चीज है कि हम लोग सच्चाई को नहीं जान रहे हैं, हम लोग क्या अदर ट्रैक पे ज्यादा जा रहे हैं, हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आज अगर आपके पास में 100-200 डॉलर आ जाए तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग 3-4 दिन के लिए फ्री हो जाते हैं, और किसी का कॉल नहीं उठाते हैं, अपनी टीम में बिल्कुल बिल्डअप नहीं करते हैं, अपनी टीम को मदद नहीं करते हैं। आज रामदेव सर की वजह है जो हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं ना, हमारे अपलाइन तो कब के भगौड़े हो गए थे, हमें तो कोई ढूंढने ही वाला नहीं था। आप देख लीजिएगा कितनी डेप्थ में हम लोग हैं रामदेव सर की, उन्होंने हमारी मदद की, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है जो हमको मिल रहा है वो हम नीचे के लोगों तक पहुंचाएं अपनी डेप्थ में। मैं तो ये कह रहा हूँ 100वीं डेप्थ में तक अगर कोई व्यक्ति मेरे को कॉल करेगा तो मैं उनको हेल्प करूंगा, चाहे आप करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन हर इंसान को, क्योंकि वो मेरे परिवार का सदस्य है, अगर क्रॉस लाइन है तो क्या हुआ, है तो फोर्सेज में ही है, तो हमारी फैमिली में ही। इसका मतलब है कि चचेरा भाई अगर अलग हो गया, चचेरा भाई का अलग काम चल रहा है, तो क्या वो हमारी फैमिली में नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी खुद से लेनी होती है, जो व्यक्ति दूसरे से जिम्मेदारी लेता है। अब बात यहाँ पे क्या आती है, जिम्मेदारी की। अगर आपको आपके अपलायंस जिम्मेदारी दे रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने आप को आलसी बना रहे हैं, आप अपने आप को आलसी बना रहे हैं। आपके अपलायंस बार बार आपको कॉल कर रहे हैं कि सर ऐसा है, आपको आज सेशन लेना है, आज सेशन में आना है, ठीक है। आज रामदेव सर ने मुझे कॉल किया, मैं रियलिटी बताऊं तो कार में बैठा था, ड्राइव कर रहा था, ठीक है। तो मैंने जैसे ही सर का कॉल देखा, सर ने बोला महेंद्र जी आपको 2 बजे वाला सेशन लेना है। मैंने सर लेना है बता दीजिए किस पे लेना है, तो बोले कि जिस पे आपका मन करे उस पे ले लो। मैंने सर माइंडसेट पे ले लेते हैं, डन हो गया। अब मैं वहां पे दिमाग लगाता कि सर मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, पता नहीं कब पहुंचूंगा, तो मैं आलसी हो गया ना, कंफर्ट जोन में आ गया कि 32-33 लाख रुपए कमा के कंफर्ट जोन में आ गया। 32-33 लाख रुपए क्या होता है यार, आज के जमाने में 32-33 लाख रुपए की कार लेने जाओ ना
तो ऐसा लगता है कि बस सामने वाले की अभी शिफ्ट ले ली, ये भी छोटी लग रही है, ऐसा लग रहा है यार इससे बड़ी होती। ये क्या है माइंडसेट के ऊपर कि इससे बड़ी भी आ सकती थी, अगर थोड़े दिन में रुक जाता तो एक दिन की इनकम और 20 लाख रुपए करता तो इससे बड़ी ले लेता। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया कि मेरे खानदान में किसी ने आज तक कार नहीं ली, उसके लिए मैंने वो मेहनत की और वो मेहनत आपके सामने दिख भी रही है। ठीक है, अब माइंडसेट होना कैसा चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक लड़का एक लड़की से जब प्यार करता है, आप इसको गलत वे में मत लेके जाना, एक रियलिटी वे में लेके जाना, तब आपको इसकी गहराई पता चलेगी कि आखिर इसकी गहराई कितनी है। एक लड़का जब एक लड़की से प्यार करता है, एक लड़की जब एक लड़के से प्यार करती है, और जब वो उनकी बातें 24 घंटे ना हो, वो डेली बात करते हो दो दो तीन तीन घंटे, अगर उनकी बात 24 घंटे ना हो तो उनको ऐसा महसूस होता है जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ उन पे टूट गया है। ठीक है, वो खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, ठीक है, किसी की बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। रात के 12 बजे भी अगर गर्लफ्रेंड कह दे कि आपको यहाँ मिलने आना है तो बंदा उठ के चला जाएगा। ठीक है, सेम फीमेल्स में भी होता है, फीमेल्स भी चले जाते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है मैं आपको बताऊं, उनका माइंड में सिर्फ क्या घुसा हुआ है, वो लक्ष्य दिखाई देता है, बीच के रास्ते, बीच के कांटे, बीच का समाज, ठीक है, उनको कुछ नजर नहीं आता। उसी प्रकार से हमको फोर्सेस से प्यार करना होगा। जिस दिन आपको फोर्सेस से प्यार हो गया ना, जिस दिन आपको उस सिस्टम से प्यार हो गया ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। उस मंजिल को पहचानो आप वो जो जाबाज लीडर हो, जो आप अपने पूरे खानदान का नाम रोशन कर सकते हो और इस समाज को एक आईना दिखा सकते हो कि एक मोबाइल का यूज करके, इस इंटरनेट का यूज करके मैं यहाँ से करोड़पति बना हूं, अगर चाहो तो हजारों लोगों की जिंदगियों को आप बदल सकते हो, अपने समाज को बदल सकते हो, अपने देश को बदल सकते हो। मेरा जो माइंडसेट है सिर्फ अपने लिए सीमित नहीं है, मैं अपने पूरे देश को लेकर के चलता हूँ। ऑल ओवर इंडिया से अगर मैंने 10-15 हजार लोगों को भी अगर मैंने रोजगार दे दिया फोर्सेज की वजह से, अगर उनके घर में खुशियां पहुंच गई तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन इंसान होगा, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई हो सकता है। जब वो लोग कहते हैं थैंक यू सो मच महेंद्र जी, आपकी वजह से आज मेरा परिवार चल पा रहा है, आपकी वजह से आज मैंने अपने परिवार में खुशियां लाके दी हैं, तो उससे बेस्ट क्या खुशी हो सकती है, उसे आप खरीद सकते हो। आप दुनिया की पूरी दौलत एक तरफ रख देना फिर भी आप उस थैंक्स को नहीं खरीद पाएंगे। ये रियलिटी है माइंडसेट की। लोगों से प्यार करना सीखो, टीम से प्यार करना सीखो। आपका खुद का माइंडसेट नहीं है तो आप अपनी टीम में कैसे माइंडसेट दे पाएंगे। ठीक है, अब माइंडसेट बिना लक्ष्य के नहीं बनता है। जब तक आप अपना लक्ष्य क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपका माइंडसेट नहीं बनेगा, और जिस दिन आपका लक्ष्य क्लियर हो गया उस दिन आप अपने लक्ष्य पे भेद दीजिए एक तीर, और अर्जुन की तरह देखिए। जैसे अर्जुन को जब दिखाई दे रहा था, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि हे अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा सर मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो द्रोणाचार्य ने कहा था वत्स छोड़ दो तीर। जब उन्होंने तीर छोड़ा तो सीधे चिड़िया की आंख पे जाके लगा और वो चिड़िया की आंख भिद गई। बाकी जो लोग थे उनको क्या दिख रहा था, कोई कह रहा था मेरे को सर पूरा पेड़ दिख रहा है, कोई मेरे को कह रहा था मेरे को पूरी चिड़िया दिख रही है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं था जब उन्होंने कहा कि लक्ष्य पे फोकस करो। आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, पहले छोटे छोटे लक्ष्य को अचीव करो, उसके बाद में आप बड़े बड़े लक्ष्य अचीव करेंगे। मैंने छोटे छोटे लक्ष्यों को अचीव किया और मेरा आज घर भी बन रहा है फोर्सेज की वजह से। करीब 7-8 लाख रुपए मैं घर में लगा चुका हूँ और अभी और उसमें लगना बाकी है। मैं ऐसा यूनिक घर बना के अपनी फैमिली को देना चाहता हूँ जिन्होंने आज तक कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी घर हमारा लाइफ में हो सकता है, वो मेरा लक्ष्य है। अब कुछ लोग समझते हैं अरे सर आपका तो काम चल गया तो आप बड़ी बड़ी बातें कर ही लेंगे, आपको क्या है, आप तो आपका काम चल रहा है, आपकी टीम काम कर रही है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बंडे से मेरे साथ में हैं। हमने ऐसे ऐसे दिन भी गुजारे हैं, पूरे पूरे दिन कॉलिंग करते थे, 10-10, 15-15 दिन कोई ज्वाइनिंग नहीं मिलती थी हम लोगों को। ठीक है, ये जो अब ट्रैक पकड़ा है बिजनेस ने वो 8 महीने से 7 महीने के बाद पकड़ा है। ऐसा नहीं है कि मेरा जो सिस्टम चल रहा था वो मैंने बंडे से ही मैं यहाँ पे पैसा आना स्टार्ट हो गया था, वनडे से कहीं भी नहीं आता, कोई भी सिस्टम में नहीं आता। अभी मैं बात करूं दिसंबर की और जनवरी की, तो मेरा जो सिस्टम बूम किया है वो नवंबर से किया है।
मैंने अप्रैल में ज्वाइनिंग ली थी, तो कितने महीने मैंने यहाँ पे दिए हैं, कितने महीने मैंने यहाँ पे वेट किया है, तब कहीं जाके मेरा बिजनेस बूम हो पाया है। कोई गलत बात नहीं है, वो सही कहा है किसी ने, कुछ व्यक्ति 15 दिन में हार मान लेते हैं, कुछ व्यक्ति 20 दिन में हार मान लेते हैं। ओके, एक कॉल आ गया था। कुछ व्यक्ति 20 दिन में हार मान लेंगे, कुछ व्यक्ति 1 महीने में हार मान लेंगे, कुछ व्यक्ति 2 महीने में हार मान लेंगे, लेकिन जो व्यक्ति 90 दिन लगातार तक डेडिकेशन के साथ में जुड़ा रहता है, चाहे वो कोई भी सिस्टम सही, चाहे वो एजुकेशन सही, चाहे वो खेती सही, चाहे वो जॉब सही, अगर आपकी नई नई जॉब लगे ना, तब भी आपको पहले दिन से वहां पे सारी चीजें नहीं होती हैं, नया स्टाफ होता है, नए लोग होते हैं, नया सिस्टम होता है, उसमें एडजस्ट होने में समय लगता है। जैसे जब किसी की नई नई शादी होती है, तो कोई व्यक्ति नए पहली पहली बार ससुराल जाता है, तो उसको कुछ चीजें पता ही नहीं होती हैं, वो बूझता है बाथरूम कहाँ पे है, ठीक है, वो पूछता है कमरा कहाँ पे, सारी चीजें सीधे धीरे धीरे वो पूछता है। लेकिन जब वो पुराना हो जाता है, जब वो दुल्हन पुरानी हो जाती है, तो उसको पूरे घर का कोना पता होता है कि कहाँ से क्या चीज है। तो वही चीज हमारे बिजनेस में होती है, वही चीज हम जिस बिजनेस को करते हैं, जिस काम को करते हैं, उसमें सारी चीजें वही इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। क्योंकि एक दिन से ना तो यहाँ रामदेव सर कुछ जानते थे, ना नेमराज सर कुछ जानते थे जब फर्स्ट डे फोर्सेस को ज्वाइन किया, ना यादवेंद्र सर जानते थे, कोई भी नहीं जानता था। बस धीरे 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 अपने सीखते गए, कुछ सोशल मीडिया से सीखा, कुछ अपने अप्लायंस से सीखा, कुछ डाउनलाइन से सीखा, और सीखते 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 आज इतना बड़ा कारवा हो गया। किसकी वजह से? माइंडसेट की वजह से। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कुछ लोग अभी बीच में आप देखा होगा जनवरी में जब लॉटरी लॉन्च हुई थी, तो वेबसाइट हमारी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, यानी अंडर मेंटेनेंस में गई थी। तो लोग इतने पागल हो गए, वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेके सोशल मीडिया पे लोग यूज कर रहे हैं कि देखो फोर्सेस तो गया, फोर्सेस की वेबसाइट बंद हो गई, फोर्सेस में ये है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही सही है, ये है वो, बहुत सारे सवाल आए। लेकिन डियर फ्रेंड, उसकी गहराई को हम जानते थे ना, हमें पता है ना कि उसका क्या हुआ है, अंडर मेंटेनेंस में गई है। थोड़ी देर बाद जब वो बही चालू हो गई, तो उनके सबके मुंह भीगी बिल्ली जैसे हो गए। तो मेन चीज ये है, जब तक आप इस सिस्टम की गहराई को नहीं समझेंगे, जब तक आप इस सिस्टम की इसके जो बेस है, उस बेस को जब तक आप नहीं जानेंगे। आज भी लोगों को डाउट होता है ब्लॉकचेन पे, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी सिस्टम में हैं, लेकिन फिर भी उनको डाउट होता है ब्लॉकचेन पे। मुझे तो बिल्कुल डाउट नहीं होता, मुझे क्यों डाउट होगा, जब मेरा विद इन सेकंड पेमेंट यहाँ पे आ रहा है। अगर अभी मैं किसी की ज्वाइनिंग लगाऊं, और जो मेरे स्लॉट रिसाइकल पे नहीं होंगे, जो रिसाइकल पे हैं उनसे मतलब नहीं है, तो X3 का पेमेंट मुझे 100% आ रहा है, X4 से आ रहा है, XXX से आ रहा है, X गोल्ड से आ रहा है, तो भाई मैं किस चीज में निगेटिव पॉइंट ढूंढूं, सिस्टम में कौन से सिस्टम में निगेटिव पॉइंट ढूंढूं। लोग कहते हैं NFT, अरे NFT तो NFT नहीं थी तो क्या फोर्सेज में बिजनेस नहीं हो रहा था? फोर्सेज में बिजनेस तो तब भी हो रहा था। NFT एक अलग का टॉपिक है, वो आया है, आएगा, लॉन्च होगा, हमको मिल जाएगा, लेकिन हमें अपने काम में तो ढिलाई नहीं करनी चाहिए, हमें अपने सिस्टम पे तो वही वर्क करना चाहिए, हमें वहीं पे काम करना चाहिए। जब NFT आया तो लोग NFT गाने लगे, XXX से कितना आता है, X4, X गोल्ड, ट्रिपल और X4, X3, इन सब को भूल गए। क्योंकि हम लोग पता है क्या है, एक चिकने घड़े हो गए। चिकने घड़े का मतलब पता है क्या, उसमें पानी रुकता ही नहीं, थोड़ा सा हवा का झोंका आया और बस हो गया काम। जब तक हम दृढ़ निश्चयता अपने अंदर नहीं करेंगे, जब तक हम अंगद की तरह अपना पैर नहीं जमाएंगे, तब तक डियर फ्रेंड जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आपको अंगद की तरह उस रावण की सभा में अपना पैर जमाना ही होगा, जिसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, जब तक खुद अंगद ना चाहें, ठीक है। तो जब तक आप खुद ना चाहो कि मेरा माइंडसेट कैसा है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, कोई भी निगेटिवपन आपके अंदर आ जाए, उसको आपको हटाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, माइंडसेट है कमाना है तो कमाना है। सिंगल डे में 10 लाख तो क्या, 1 करोड़ भी कमाना है, उसे दुनिया की कोई ताकत भी कमाने से नहीं रोक सकती। जब यादवेंद्र सर 1 दिन में 1 करोड़ कमा सकते हैं, रामदेव सर 27 लाख 1 दिन में कमा सकते हैं, मैं करीब 12-13 लाख रुपए 1 दिन में कमा सकता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं कमा सकते? जब 12-13 लाख रुपया कम सकता है, तो 12-13 करोड़ भी कम सकता है।
इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अपने काम को मैं और तेजी से करूंगा, जो मैं कर रहा था उस काम को मैं 10 गुना बढ़ा दूंगा। तो जब मैंने 10 गुना बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा, 12 लाख का 10 गुना कितना हो गया, आप खुद सोच लीजिए कितना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको काम करना है। अगर आपका काम नहीं चल रहा है, आपकी टीम काम नहीं कर रही है, आपके लोग डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। अपने काम को 1000 गुना बढ़ा दीजिए। जितनी कॉलें आप कर रहे थे उन कॉलों में आप अपने नंबर दुगने कर लीजिए। जितने प्लान लोगों को आप भेज रहे थे उनसे दुगने प्लान भेजना स्टार्ट कर दीजिए। सोशल मीडिया पे एक दो घंटे दे रहे थे, आप 4-5 घंटे देना स्टार्ट कर दीजिए। लोगों के कमेंट में जाना स्टार्ट कर दीजिए, लोगों को रिप्लाई देना स्टार्ट कर दीजिए। आपका काम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन क्या है, जब थोड़ी देर का मोटिवेशन तो रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में हम लोग टाइटाई फिस हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। मेरा काम जो भी रहता है 24 घंटे में बिजी रहता हूँ, 24 घंटे फोर्सेज करता हूँ, मेरे लिए और कोई काम ही नहीं है। जब पैसा यहाँ से आ रहा है तो दूसरी जगह माइंड में क्यों लगाऊं, यहाँ से दूसरी जगह में बराबर माइंड लगाऊंगा, वहां भी माइंड लगाऊंगा, वहां से कुछ हो नहीं रहा है। 24 घंटे में यहाँ पे दूंगा, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया वो मैंने 9 महीने में कर दिया, ठीक है, 9 से 10 महीने में कर दिया। तो आने वाले 9 से 10 महीने में क्या हाल होगा, आप ये सोच के देखिए। क्योंकि सबसे कठिन समय तो मैंने पार कर लिया ना, टीम बिल्डअप करना शुरुआती दिन मैंने पार कर लिए, अब मेरे को क्या रह गया, अब तो मेरी गाड़ी ट्रैक पे आ चुकी है। ऐसे ही आपकी गाड़ी भी ट्रैक पे आ जाएगी, जब पटरी पे आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि इस सिस्टम की पावर क्या है। माइंडसेट एडिसन जैसा होना चाहिए, उसने लक्ष्य बना लिया अपना कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं वल्व का आविष्कार करके रहूंगा, चाहे कितने भी प्रयोग करने पड़े, चाहे कितने भी मेरे को लोग गालियां दें, कितना भी कुछ करें, कितनी भी मेरी हंसी बनाएं, लेकिन मैं सक्सेस लेके रहूंगा और लोगों को मैं बल्ब का आविष्कार करा के रहूंगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जेम्स वॉट। जेम्स वॉट का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। जब रसोई में केतली के ऊपर रखा हुआ एक पत्थर वो उठा रही थी, तो उसने सोचा, केतली उठा रही थी ढक्कन को, तो उसने एक पत्थर और रखा तो वो फिर से और उठाने लगा, तो उसने सोचा इस भाप में बहुत ताकत है, उसने इंजन बना दिया, ठीक है। कई बार फेल हुआ लेकिन फिर भी उसने इंजन बना दिया, उसकी देन है जो आज हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उसने हमको ट्रेन दी, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की मैं बात करूं तो आज जो हम जितना भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जितना भी हम कंप्यूटर का डाटा यूज करते हैं, जितना भी हम प्रोग्राम्स यूज कर रहे हैं, ये बिल गेट्स की देन है, ठीक है। तो इन ऐसे थोड़ी हो गए कि किसी कहीं से आसमान से गिरे और आके एकदम से आविष्कार हो गए। इनके पीछे जितना माइंडसेट लगा है, जितनी मेहनत लगी है, उस मेहनत को खोजने की कोशिश करो। चमकते हुए इंसान की चमक तो हर किसी को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये तो सिर्फ वही इंसान बता सकता है जो आज चमक रहा है। एक हीरे को कितना घिसा जाता है, कितना तराशा जाता है, तब कहीं जाके वो एक हीरा बनता है। इन सारी चीजों को आपको समझना होगा डियर फ्रेंड्स। जब तक आप नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा। मेरे को चाहे कितना भी कोई कितना बड़ा ज्ञान दे दे, चाहे मेरे को कितना भी बड़ा मेरे को सिखा दे, लेकिन जब तक मैं खुद से अपना डिसीजन नहीं लूंगा, जब तक मैं खुद कुछ नहीं चाहूंगा, मुझे दुनिया की कोई ताकत, भगवान भी मेरे को कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी मेरा कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं खुद नहीं चाहूंगा। सुदामा की स्टोरी आपने सुनी होगी, श्री कृष्ण की और सुदामा जी की। मैं चाहते तो श्री कृष्ण भगवान उनके सारे दुख एक सेकंड में दूर कर देते, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो विधि का विधान है, जिस तरीके से उनको आना है हे रुक्मणी, वो उस तरीके से ही आएंगे, तब कहीं जाके वो उस सुख को पा पाएंगे। पैदल चल के आए, पैरों में कांटे लगे रहे, क्या उनके मित्र थे उनको दुख नहीं हो रहा था, ठीक है। आज आप लोग हैं, अपलायन आपसे कहता है कि आप ऐसे काम करो, तो आपके अंदर गुस्सा जरूर आता होगा कि देखो बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं, हमको आदेश दे रहे हैं। डियर फ्रेंड्स सोच के देखो, जब तक आप उस दर्द को नहीं सहेंगे, तब तक आप उस पैसे की वैल्यू को भी नहीं समझेंगे। लोग कहते हैं डर के आगे जीत है, डर के आगे दर्द है, और उस दर्द से जो सीखता है वही सक्सेस है। हर इंसान की सक्सेस देख लीजिए, हर निखरते हुए चेहरे की उसके पीछे कितना संघर्ष है, उस संघर्ष को आप पढ़ के देखना। नेशनल मंडेला का संघर्ष पढ़ के देख लेना, दशरथ मांझी का देख लेना, अपनी पत्नी के लिए, वो करोड़पति तो नहीं बना ना, उस पे पैसे भी नहीं थे। हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग दो चीजों के लिए काम कर रहे हैं फोर्सेज में, एक तो हमारा नाम
दूसरा पैसा, ठीक है। दशरथ मांझी के पास में कोई पैसा नहीं था, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी लेकिन वो पहाड़ को पार नहीं कर पाए और उन्हें अपने बच्चों और वाइफ से वो उनके चलव से वो उस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य बना लिया कि मेरे साथ जो हुआ है मैं आने वाले समाज में किसी के साथ नहीं होने दूंगा कि इस पहाड़ की वजह से किसी की मौत हो। उस व्यक्ति ने दिन रात मेहनत करके उस पहाड़ को काट दिया और आज उसका द्वार बना है दशरथ मांझी, उसका नाम अमर हो गया। क्या आप लोग नहीं चाहते आपका नाम अमर हो? अरे दौलत वो नहीं होती है जो पिता कमाता है और बेटा खर्च करता है, दौलत उसे बोली जाती है बेटा कमाता है और गर्व से बाप खर्च करता है, उसे दौलत बोली जाती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मेरे पिता की आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने उनसे कार की चाबी ली और उनके चरण स्पर्श किए और माँ को और पापा को मैं जब एजेंसी पे लेके गया था, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि आज मेरे बेटे ने कुछ अचीवमेंट किया है। पूरे समाज के लिए वो आईना है, पूरे समाज के लिए आईना है कि जिंदगी में ऐसे भी पैसा कमाया जाता है, पढ़े लिख के नौकरी ही जरूरी नहीं, एक इंसान अगर सही ट्रैक पे है, सही डिसीजन ले ले तो बहुत कुछ कर सकता है। मेरा प्रमोशन जानते हो आज कौन करता है? ये माइंडसेट की बात है। मेरा प्रमोशन आज मेरे फादर करते हैं, मेरी माँ करती है, मेरा छोटा भाई करता है, मेरे चाचा करते हैं, मेरा पूरा खानदान आज प्रमोशन करता है कि भाई फोर्सेस को ज्वाइन कर लो, मेरा बेटा तुमको सिखा देगा कि तुम कैसे सक्सेस होगे। आज मुझे आईडी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आज लोग मुझे ढूंढते हैं कि महेंद्र मौर्य के साथ में ज्वाइन होना है। आज जब से मैंने कार ली है तब से 5 लोग मेरे डायरेक्ट ज्वाइन हो चुके हैं और एक से एक दिग्गज लीडर। इन चीजों को आपको समझना होगा, अपने सपनों को बड़ा करना होगा। मेरा सपना था कार लूंगा तो लूंगा, मैंने ली, लेकिन जब तक आप अपने सपनों को नहीं बढ़ाएंगे, और उसके बाद में रोड मैप तैयार किया, सपना देखा, सपना देखने के बाद में रोड मैप तैयार किया कि ये होगा तो होगा कैसे, ठीक है, किस तरीके से होगा और किस तरीके से उसको पूरा किया जाएगा। प्रेम सर के साथ में मैंने मीटिंग की, प्रेम सर से मैंने कॉल पे बात की कि सर मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है करिए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगी कार, इतनी जल्दी मैं ले आऊंगा, ठीक है, वो भविष्य की बात थी, लेकिन मैंने करके दिखा दिया। लोग आपके रिजल्ट को फॉलो करते हैं, आप मेहनत क्या करते हैं इस पे कोई फॉलो नहीं करता। आप क्या रिजल्ट देते हैं समाज को, क्या रिजल्ट देते हैं आप अपने परिवार को, उस रिजल्ट से आपकी इज्जत की वैल्यू की आकलन होता है। अगर आप रिजल्ट नहीं देते हैं तो आपकी कोई भी इज्जत करने वाला नहीं है, चाहे आप कितने भी संस्कारी सही। पैसा इज पावर, मनी इज पावर, पैसे में वो पावर है जो आपके हर एक ऐब को ढक देता है, वो पैसा है, लेकिन इज्जत का पैसा होना चाहिए। किसी को लजा के, किसी को सता के हम लोग कोई भी पैसा अर्न नहीं करते, हम लोग सपनों को पूरा करते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। आप अपने समाज को गलत तरीके से बिल्कुल भी ना देखें। कोई व्यक्ति अगर आपकी हंसी बना रहा है तो आप उसको थैंक यू करिए कि मुझे और हौसला मिल गया कि अब तो मुझे करना है, इस व्यक्ति को करके दिखाना है। जो व्यक्ति आज मेरी हंसी बनाते थे समाज में कि ये तो देखो बन गए करोड़पति, आज उन सबके मुंह सिल चुके हैं। जब मैं अपने घर से कार निकालता हूं आज, ठीक है, 4-5 ही दिन हुए हैं, तो लोगों ने बोलना छोड़ दिया, देखना तक बंद कर दिया मेरी तरफ। वो क्यों कर दिया? क्योंकि उनको पता था कि आप जिंदगी में हम तो खरीद नहीं पाएंगे, इसने तो खरीद ली। तो माइंडसेट बहुत जरूरी है, बिना माइंडसेट के कोई भी इंसान एक बना हो तो मुझे बता दो। जितने भी सक्सेस मैन हैं, चाहे वो, हम दूसरे को क्यों गिने, हम अपने ही मेंटर को ना गिने, मिस्टर रामदेव सर से ना सीखे, नेमराज सर से क्यों ना सीखे, यादवेंद्र सर से क्यों ना सीखे, ये भी तो हमारे लिए महापुरुष ही हैं, इन्होंने भी तो इतिहास रचा है। हम लोग याद राजेंद्र सर से क्यों नहीं सीखते कि वो कितने डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं। हम दूसरे लोगों का उदाहरण क्यों दें, हम अपने ही उदाहरण ना दें। अपनी ही टीम में किसी व्यक्ति ने, आपके अपलायन ने जो अचीवमेंट किया है वो क्या कम अचीवमेंट है? कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपए महीने की नौकरी के लिए भटक रहा था, आज वो 1,00,000 रुपए महीने कमा रहा है, तो ये क्या कम अचीवमेंट है? एक IAS की PCS की सैलरी होती है 1,25,00,000 रुपए, और उसकी मेहनत कितनी बड़ी होती है, 18 घंटे किताब आंखों के सामने रहती है, और उसके बावजूद भी एग्जाम निकले या ना निकले वो डिपेंड रहता है एग्जामिनर पे, क्या क्या गलती हुई। तो 40 से 45 साल का समय लगता है एक IAS को बनने में, और एक टीचर को बनने में 35 साल का समय लगता ही लगता है,
35 साल की उम्र में जाके कहीं एक व्यक्ति टीचर बनता है, अगर वो हर स्टेप को पार करता है तो 30 साल तो लगेंगी ही लगेंगी, अगर एक दो साल वो फेल हो गया तो ओ समझ लीजिए कि उसको 35 साल लगेंगी। मुश्किल से 60-65 साल इंसान जिंदा रह रहा है, 35 साल उसने पढ़ाई में गुजार दी, उसके बाद वो टीचर बना, 15 साल मुश्किल से नौकरी कर पाएगा, अपने बच्चों के साथ में अपनी लाइफ को ग्रीन एज में कब एंजॉय कर पाएगा? पैसा आना चाहिए ग्रीन एज में। ग्रीन एज क्या है? हमारी जो इस समय हमारी युवा अवस्था है, जो हमारी 20 से लेके और 45 साल तक की जो उम्र है उसे ग्रीन एज बोला जाता है। ग्रीन एज में हमारे पास पैसा आना चाहिए तो हम स्पोर्ट बाइक चला पाएंगे। आपने सोच रहे हो कि मैं एक महीने बाद काम स्टार्ट करूंगा, एक साल बाद मेरे पास में पैसा होगा, एक साल बाद अगर सोचते हैं, अगर आपकी 60 साल की उम्र है, करोड़ों रुपए आपके पास है और आपको पल्सर बाइक दे दी जाए, स्पोर्ट बाइक, आप चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। हमको जो पैसा कमाना है ना वो ग्रीन एज में कमाना है, हमें ग्रीन एज में पैसा चाहिए। हमारे सपने जो पूरे होंगे वो ग्रीन एज में होने चाहिए। हम अपने मम्मी पापा को तीर्थ पे भी लेके जाएंगे तो उनको भी हम ग्रीन एज में ही लेके जाएंगे ताकि उनको अच्छे तरीके से तीर्थ करा पाए, अच्छे तरीके से उनके सपने पूरे कर पाए। अगर आपकी वाइफ है तो आप उसको 50 साल की उम्र में जाके सारे सपने पूरे करो तो वो क्या करेंगी उस सपनों का, क्या करेंगी उस पैसे का? एंजॉय लेने का समय अब है। कब समझोगे आप? अगर आपकी वाइफ है उनको 5-स्टार होटल में खाना कब खिलाएंगे? जब वो 60 साल की हो जाएंगी तब क्या फायदा है? तब तो कोई भी फायदा नहीं है, तब तो उनके लिए वो परहेज वाली रोटी चाहिए, एंजॉय वाली रोटी थोड़ी ना चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए माइंड सेट करना पड़ेगा और मैंने माइंड सेट कर लिया है। मेरी बहुत जल्द नेक्स्ट कार भी मैं लूंगा और वो कार ऐसी होगी बिल्कुल बिंदास वाली होगी, ठीक है? फर्स्ट कार आ चुकी है, नेक्स्ट कार भी जरूर आएगी, वो बड़ी कार आएगी जिससे कि हम लोग पूरा एरिया इंडिया घूम सकें, पूरे इंडिया घूमने के लिए, ठीक है? तो जब तक आप अपना माइंड सेट नहीं करेंगे, मैंने तो अपना माइंड सेट कर रखा है, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, अगर मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा, सेशन करने पड़ेंगे तो मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। करना क्या है यार, काम तो वो फोन से ही करना है। कौन सा हमें ऑफिस ज्वाइन करना है, कौन सा हमें जाके किसी के यस सर नो सर करना है, कौन सा हमको डोर खोलना है ऑफिस का, कौन सा कुर्सी पे बैठ के हमको झूलना है? हमको मार्केट में जाते जाते काम करना है, रिश्तेदारी में जाते जाते काम करना है, हमको कार में घूमते घूमते काम करना है, हमको घर पे बैठे बैठे काम करना है। तो इन सारी चीजों का जब तक माइंड सेट नहीं होगा, हम लोग क्या समझते हैं, आज भी अपने काम को कुछ लोग बोझ समझते हैं। किसी का कॉल आ जाए, अरे इसका कॉल कहाँ से आ गया, उठाओ मत, ठीक है? तो भाई आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है? किसी का कॉल नहीं उठा पा रहे हो तो उसको कॉल बैक जरूर करो कि सर मैं बिजी था, आप बताइए क्या प्रॉब्लम थी, सॉल्व हुई या नहीं। हमें अपनी टीम को बच्चे की तरह पालना है। आपके माँ बाप ने आपको पाला है तभी आप यहाँ पे पहुंचे हो, तभी आज आप इस मीटिंग में बैठे हो। ऐसे ही हमें अपनी टीम को बच्चे की तरह पालना है, उनकी छोटी छोटी हर प्रॉब्लम को देखना है कि कहीं कोई व्यक्ति परेशान तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो व्यक्ति दबाव में प्रेशर में काम कर रहा हो, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो। इन सारी चीजों को हमें समझना होगा और अपने माइंड को ग्रोथ करो। एक होता है फिक्स माइंड, एक होता है ग्रोथ माइंड, ठीक है? फिक्स माइंड क्या होता है? फिक्स माइंड की अगर मैं बात करूं तो हमारे फिक्स माइंड वाले ऑल ओवर इंडिया में 90% लोग हैं जो फिक्स माइंड पे काम करते हैं। फिक्स माइंड पे कौन काम करता है? गवर्नमेंट जॉब वाले काम करते हैं, प्राइवेट जॉब वाले काम करते हैं, ठीक है? वो फिक्स माइंड पे काम करते हैं। मजदूर है, फिक्स माइंड पे काम करता है, कोई मिस्त्री है, फिक्स माइंड पे काम करता है। लेकिन जितने भी बिजनेसमैन है वो ग्रोथ माइंड पे काम करते हैं। चाहे आप किसी को भी लो, छोटे से अंबानी का उदाहरण क्यों दें, हर इंसान उनका ही उदाहरण देता है। अपने आसपास के जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो ठेकेदारी कर रहे हैं, जो लोग अपना छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं, कोई रेता बजरी का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, कोई सरिया सीमेंट का बिजनेस कर रहा है, आप उनको देख के जिए ना, वो लोग लाखों रुपए कमाते हैं और छोटा सा बिजनेस है। हम लोग अंबानी तो बन भी जाएंगे लेकिन समय लगेगा, लेकिन हम उनके उदाहरण ना देके हम अपने आसपास के 20 लोगों के ऐसे नाम लिखो डायरी में जो लोग पहले से लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। सरिया सीमेंट वाली दुकान वाला लाखों कमाता होगा, जिसके होलसेल की दुकान है जनरल स्टोर वो दिखाता हो, वो उनके नाम लिखो। आखिर वो लोग करते क्या है, कितना समय देते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। अपने आसपास के जितने भी चमकते चेहरे हैं, चाहे वो प्रधान सही, चाहे वो जिला पंचायत सही, आप उन सबके नाम अपनी डायरी में लिखो और उनके नंबर नोट करने की कोशिश करो, उनसे रिलेशन बनाओ।
उनसे रिलेशन बनाओ, अपने समाज के कामों में थोड़ा योगदान दो, आपके गांव में कोई भी प्रोग्राम हो रहा है उस प्रोग्राम का बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेने की कोशिश करो, ताकि आपका चेहरा लोगों के सामने आए कि हाँ आपकी कोई पहचान है, आपकी कोई पहचान है। आज मेरे गांव में कोई भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम का सबसे मेन किरदार निभाता हूं मैं, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी के साथ में, ठीक। तो मेन चीज वही है, आज आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनके नाम लिखो, फिर एक तरफ उनके नाम लिखो जो सक्सेस हो रहे हैं, जिनके पास में पैसा है भरपूर, जो दुकानें खोले बैठे हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, और एक तरफ उनके नाम लिखो जो लोग आलसी हैं, क्या वो जिंदगी में कभी उनके बराबर पहुंच पाएंगे? तुलना करके लिखो। जब हम लोग जब एग्जाम देते थे ना, तो वहां पे तुलना होती थी कि किसकी किससे तुलना है, ठीक है, द्रव की ठोस से तुलना है, किस किस की तुलना किससे होती है। तो आप तुलना करो कि जो काम आप कर रहे हो वो लोग कहाँ पहुंचेंगे, और जो लोग पहले से वो काम कर रहे हैं वो लोग कहाँ पहुंचेंगे। एक तरफ आप अपना फोर्सेज का काम रखना, ठीक है, एक तरफ आप उन लोगों का बिजनेस रखना, और एक तरफ आप उन लोगों का तुलना करना जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग आपको सिखाते हैं, जो लोग आपको बोलते हैं कि अरे इनसे कुछ नहीं होने वाला। आप उसकी जिंदगी को पूरा, जिंदगी का पूरा बायोडाटा निकाल लो कि ये व्यक्ति कहां तक कर पाएगा। अगर आज मैं इसकी बात मान के फोर्सेस को छोड़ दूं, तो इस व्यक्ति, इसके पास में क्या है? मेरे से बहुत लोगों ने कहा ये काम मत करो, तुम इस काम में कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैंने उसके हाथ में रखा फोन, मैंने कि ये ले भाई, ये है आज से तेरा फोन, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पर डे का 1 लाख चाहिए, अब बता मैं कौन सा काम करूं। मैं रियलिटी बोल रहा हूं। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि तू ये फोर्सेज वगैरह कर रहा है, ये आने वाले समय में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तू ये मत कर। मैंने कहा चल ठीक है, नहीं करूंगा यार, तेरी बात मान ली, लेकिन आज से ये फोन तेरा, मैं तेरा, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए पर डे चाहिए, बता कौन सा काम करूं ऐसा तू मुझे देगा, मैं आज से फोर्सेज बंद कर देता हूं, 1 लाख रुपए पर डे दे मुझे। उसकी बोलती बंद हो गई, उसके चेहरे की झुर्रियां पड़ गई, उसको समझ में ही नहीं आया कि मैं इसको जवाब क्या दूं, ठीक है। तो सबसे पहले मेन चीज है, कोई व्यक्ति अगर आपसे कहता है ये काम मत करो, तो सीधे बोलो हाँ भाई बंद कर देते हैं आज से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ से 1 लाख रुपए पर डे आ रहा है, और आने वाले समय में 1 करोड़ भी आएगा, आप दे दो मुझे, मैं आज फोर्सेज को बंद कर देता हूँ, नहीं करूंगा, नो प्रॉब्लम। अरे मुझे तो पैसा चाहिए ना, मैं तुम दे दोगे तो इससे बड़ी बात क्या है, मुझे पर डे का 1 लाख रुपए दे दो, मैं फोर्सेज में काम नहीं करूंगा। उसका माइंड सेट आप बिल्कुल जीरो कर दोगे, उसके अंदर जो घमंड होगा ना वो 2 मिनट में चूर हो जाएगा, वो आपको जवाब ही नहीं दे पाएगा। लेकिन हम लोगों को जवाब ही देना नहीं आता, हम लोग क्या है कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना, किसी ने थोड़ा सा कह दिया तो निगेटिव हो गए, मेरे को निगेटिव करके दिखा दे कोई कि फोर्सेज में क्या है। अरे भाई जहां से मेरे को पैसा आ रहा है तू मेरे को निगेटिव करेगा? जो तू मेरे सामने आज 300 रुपए की मजदूरी करता है, 500 रुपए की मजदूरी करता है, तेरा निगेटिवपन मेरे पे भारी कैसे पड़ सकता है? डियर फ्रेंड्स, ये सोचने वाली बात है, ये हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमको माइंड सेट के साथ में काम करना चाहिए। जब तक हम माइंड सेट नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। बिना माइंड सेट के कुछ नहीं होता है। अगर आपने अपने माइंड में बिठा लिया ना कि मुझे दिल्ली जाना है, तो आपको वो माइंड सेट हो चुका है कि दिल्ली जाना है और आप पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपने माइंड में बिठाया ही नहीं कहाँ जाना है, तो पागलों की तरह इधर उधर भटकते रहोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा ही फोर्सेज में होगा। कभी आप एक दिन मीटिंग में आओगे, कभी 15 दिन घर का काम करोगे, कभी कहीं जाओगे, और आप ऐसे ही भटकते रहोगे, भटकती आत्मा बने रहोगे, लेकिन आप सक्सेस बिल्कुल भी नहीं पाओगे। आपको पूरे दिन आपको क्या करना है, पूरे दिन अपने माइंड सेट के साथ में काम करना है, और टारगेट लेके काम करना है, लक्ष्य को लेके काम करना है। आज ही से अपना लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य मैं आपको देता हूं, आप ऐसे लोग भी यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने मुझसे भी ज्यादा अर्निंग की है, मुझसे भी ज्यादा यहाँ पे सक्सेस हासिल की है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज से अपने आप से वादा करो कि जब तक एक दिन का 1 लाख रुपए नहीं आने लगेगा, तब तक मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े। वो लोग अपना हैंड रेस करें कि सर आज के बाद में मैं रुकने वाला नहीं हूं, जब तक 1 लाख रुपए पर डे नहीं कमाने लगूंगा फोर्सेस से, तब तक मैं बिल्कुल रुकने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। वाओ ग्रेट, 950 लोग बैठे हैं, 50 लोग जा चुके हैं, बहुत समझदार लोग जा चुके हैं, ठीक है। तो जाने वालों को हम समझदार कहते हैं, ताकि लास्ट में जो उनको टॉपिक मिलने वाले थे वो नहीं मिले, ऐसे लोगों को हम समझदार कहते हैं। आप 300 350, ये 50% अगर आंकड़ा पार जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरी बातों से आपके दिल में आग लगी है, वरना नहीं लगी है।
जब तक आप दिल में आग नहीं लगाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, बिना आग लगाए तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको 50% आंकड़ा पार कर दो डियर फ्रेंड्स हैंड रेस में, तब मैं समझूंगा कि हाँ आप मीटिंग को जुनून के साथ में ले रहे थे, वरना मैं यही समझूंगा कि आप मीटिंग नहीं ले रहे थे, सिर्फ मजाक कर रहे थे अपने साथ में, ठीक है। क्योंकि हैंड रेस करना हम सबको आता है, ऐसा नहीं है कि हमको हैंड रेस करना नहीं आता है। और ग्रो करिए थोड़ा सा हैंड रेस में, फिर आपको बहुत यूनिक चीज मिलने वाली है। हमारे साथ में बहुत को-होस्ट साथी बैठे हैं जो कुछ ना कुछ आज आपको सिखा के जाएंगे, क्योंकि सेशन का भी समय हो चुका है। वाओ, 499 लोग, 500 लोग, ग्रेट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने इतना प्यार दिया। इस प्यार को देने के लिए मेरी बातें अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी कड़वी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब मैं सेशन को कंटिन्यू करने के लिए आगे हैंडओवर करना चाहूंगा हरपाल गंगवार जी के लिए, वो आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। वेलकम है सर आपका। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार तरीके से आपका सेशन रहा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा सर का सेशन, बहुत अच्छे से सर एक एक पॉइंट्स को मैंने नोट किया और एक एक पॉइंट्स को मैं इम्प्लीमेंट कराऊंगा अपने पूरे इंटायर टीम के अंदर। बहुत अच्छे से आपका सेशन रहा और देखिए सर इसका रिजल्ट है कि 513 लोग बिल्कुल एक्साइटेड हैं आज का आपका सेशन लेने के बाद। तो आई होप आप लोग बिल्कुल एक्साइटेड हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग के अंदर जो जोश जुनून अभी बढ़ा है इसको बरकरार आपको रखना है, हमेशा बना के रखना है और इसको कभी भी खत्म नहीं होने देना है। जो आग आपके सीने में लगी हुई है इसको हमेशा जलती ही रहना है। तो चलिए हमारे कुछ कोहोस्ट साथी हैं जिनके जो आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं इस बिजनेस में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कुछ लोग मैं उनका भी एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि वो किस तरीके से इस बिजनेस से आज बहुत अच्छी इनकम करवा रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ से आगे बढ़ पाना। तो चलिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथ में मुंबई से है अमन कुमार जसवाल सर के बारे में अगर बात की जाए कि बहुत ही डायनेमिक लीडर है, सर की मुस्कान पे तो मैं फिदा हूँ बिल्कुल। तो सर मोस्ट वेलकम है आपका, सर आए एक मिनट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच हरपाल गंगवार सर, आज की आपकी होस्टिंग वाकई शानदार जबरदस्त थी और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा महेंद्र मौर्या सर को। मैंने सर की एक एक बात को नोट डाउन किया है और सर ने जो भी चीजें बताई है वाकई अगर आज का सेशन अगर किसी ने भी डेडिकेशन के साथ लिया होगा तो मैं आपको बता दूं कि आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए मैं आपको बता दूं जो सर ने आज सेशन लिया है माइंडसेट के ऊपर, देखिए माइंडसेट का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब कुछ नहीं होता, मोटिवेशन एक घंटा दो घंटा एक दिन दो दिन के लिए होता है, लेकिन अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। और देखो सवाल दो यहाँ पे होते हैं, करना है या नहीं करना है, प्रॉब्लम तो एक अलग हो गया कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास वो प्रॉब्लम होगा, आपको दो ही डिसीजन लेना है, करना है या नहीं करना है। मैं आपको बता दूं माइंडसेट का मतलब तीन तरीके के लोग होते हैं, अब उस तीन लोगों में आप कौन से कैटेगरी में आते हो वो आपको डिसाइड करना है। मैं आपको बता दूं कि मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं तो एक सबसे पहला जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो पत्थर वाले कैटेगरी में आते हैं। आपने मंदिर के बाहर एक पत्थर देखा होगा कि लोग हजारों लोग आते हैं उस पत्थर के ऊपर हजारों नारियल तोड़ते हैं, हजारों नारियल टूट जाता है लेकिन पत्थर को कोई फर्क पड़ता है क्या? उसी तरीके से मीटिंग के अंदर भी कुछ ऐसे माइंडसेट के लोग आते हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमने फोरसाज ज्वाइन क्यों किया। अगर उनसे पूछो कि भाई तूने फोरसाज क्यों ज्वाइन किया, अरे हमने इनका इनकम देख के ज्वाइन कर लिया, अब करना क्या है हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे कैटेगरी के भी लोग आते हैं कि जिनको पता ही नहीं कि हमने प्रसाद ज्वाइन किया, उनको क्या है कि बस पत्थर वाला काम है कि आप कितना भी मोटिवेशन देते रहो कुछ भी देते रहो उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। दूसरी कैटेगरी के लोग वो आते हैं जो बिल्कुल दूध की तरह होते हैं, दूध आपने देखा है ना, अगर किसी दूध को अगर आप चूल्हे पर रख दो तो क्या होता है कि जैसे ही दूध गर्म होता है वो बाहर आ जाता है ना। उसी तरीके से जो दूध वाले कैटेगरी में लोग आते हैं कि जब तक वो मीटिंग के अंदर आते हैं अगर उनको मोटिवेशन दे दिया जाए उसके बाद तो मैं चीर दूंगा फाड़ दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और मोटिवेशन का मतलब क्या है, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन काम करते हैं फिर उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो लोग हार मान जाते हैं, कह रहे यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। और तीसरी कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो मैं आपको बता दूं वो बिल्कुल पानी की तरह होते हैं, वो जिस भी सिचुएशन में जाते हैं जिसके साथ भी अगर मिलते हैं वो उसके साथ में ढल जाते हैं।
अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पत्थर वाले कैटेगरी में आना है कि दूध वाले कैटेगरी में आना है कि पानी वाले कैटेगरी में आना है। अगर तीसरी कैटेगरी में जो लोग आते हैं ना वो जिम्मेदारी लेते हैं, अब आपको क्या करना है कि जिम्मेदारी वाले कैटेगरी में आना है। अगर मीटिंग के अंदर आते हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे टीम का कौन सा बंदा मीटिंग में आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं। आपको सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेना है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी लेते हम मीटिंग के अंदर आएंगे, कौन बंदा हमारी टीम से सक्सेस हो रहा है, डजंट मैटर। हमारी टीम काम कर, हमारा टीम बनना है नहीं बनना कोई मैटर नहीं करता, हमें बस सीखना है, हमें करना है। हमने शुरुआत में एक ही चीज बोला दोस्तों कि आपको दो ही डिसीजन लेना है। प्रॉब्लम तो देखो हर आदमी के साथ आता है। अभी महेंद्र सर ने एक एग्जांपल बताया था, दशरथ मांझी सभी लोग जानते हैं। मैं आपको बता दूं उस बंदे के जैसा अगर माइंडसेट आपने बना लिया उसके आगे सारे लोग का मेहनत बेकार है। आपको मैं बता दूं उसकी उसने क्या किया, उसकी जो वाइफ थी प्रेग्नेंट थी उसको हॉस्पिटल लेके जाना था और हॉस्पिटल जाने के लिए उसको एक पहाड़ क्रॉस करना था और वो पहाड़ को क्रॉस नहीं कर पाए, उसकी बीवी वहां पहाड़ से गिर के मर गई। उसने एक जिद पाल लिया कि साला जो मेरे साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए और तू जो हंस रहा है ना पहाड़, अब मैं देख तेरे साथ क्या करता हूं, तेरे को अगर चीर के मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम नहीं। और वहीं पे उसने प्रण लिया कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो आपको भी उसी माइंडसेट पे काम करना है कि जब तक जोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मैं आपको बता दूं उस बंदे ने क्या किया, उसके पास कुछ भी हथियार नहीं था। आप लोग के पास तो आज मीटिंग के अंदर इतने अच्छे अच्छे लीडर आते हैं, सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन देते हैं, लेकिन दशरथ मांझी के पास क्या था, कोई हथियार नहीं था। मैं आपको बता दूं लगभग 75 से 80 फीट ऊंचा पहाड़, आप सोच लीजिए कि इतना ऊंचा पहाड़ को सिर्फ एक छीनी और हथौड़ी के माध्यम से उसने तोड़ दिया और वो भी इतनी आसानी से नहीं तोड़ा। जब वो तोड़ने गया ना उस पहाड़ को, पूरा गांव उसके ऊपर हंस रहा था। जिस तरीके से आज आप लोग आते हैं फोरसाइट ज्वाइन करते हैं, आपके दोस्त यार अगल बगल बहुत सारे लोग हंसते हैं आपके ऊपर, सेम उसी तरीके से दशरथ मांझी ने जब पहाड़ को तोड़ना शुरू किया था ना पूरा गांव उसके ऊपर हंस रहा था, ये तो बावला हो गया, ये पागल हो गया, ये मर जाएगा, कुछ नहीं ये कर पाएगा, खत्म हो जाएगा। और आपको बताऊं जब उसने पहाड़ तोड़ना चालू किया सूखा पड़ गया उसके गांव में, पूरा गांव गांव छोड़ के खाली करके जा रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग उसको आए समझाने के लिए कि अरे गांव में सूखा पड़ गया है मर जाएगा चलो हम लोग के साथ। उसका बाप भी आया उसको समझाने के लिए कि अरे बेटा तू क्या कर रहा है, जाने दे जो गया गया, अब उसके पीछे तू क्यों परेशान हो रहा है, गांव में सूखा पड़ गया है, अनाज नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, पीने को पानी नहीं है, हमारे साथ चलो कुछ दिन के लिए, वापस से जब बारिश होगा तो हम लोग आया जाएगा। लेकिन बोला कि नहीं हमारा एक ही जिद है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और यही उसका जिद कि पूरा गांव चला गया लेकिन वो जिद में लगा रहा और एक समय ऐसा आया कि वो बिल्कुल पसीने से तर हो गया, प्यास लगा था, बेहोश होने वाला था, लेकिन भगवान को एक ही बात उसने बोला कि या तो भगवान मुझे उठा ले, या तो मुझे उठा ले और या तो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं जब मेरा एक ही उद्देश्य है कि जब तक मैं इसको तोड़ेगा नहीं तब तक मैं छोड़ेगा नहीं। और लास्ट में भगवान को भी हार मानना पड़ा और भगवान ने बारिश किया और वही बारिश हुआ, उसने पानी पिया और जैसे ही बारिश हुआ आपको बता दूं उसी पहाड़ के अंदर से एक सांप निकला और जैसे ही वो सांप को देखा उतने देर में उस सांप ने उसके क्या किया, पैर में अंगूठे में काट लिया। अब आप सोचो कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी सांप ने काट लिया, अगर दूसरा कोई बंदा होता तो वहीं से छोड़ के भाग गया होता, लेकिन उसको एक जिद था कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। उसने क्या किया कि छिन्नी अंगूठे पे रखा कि हमारा ये जो सांप ने काटा ये विष हमारे शरीर में न फैले, उसने छिन्नी को अपने अंगूठे पे रखा और एक हथौड़ी मारा अंगूठा बाहर। क्या आपका उस लेवल का मेहनत है? आप बोलते हो कि मैं मेहनत करता हूं मुझे रिजल्ट नहीं आता है, आप एक बार सोच के देखो कि पहाड़ तोड़ने से ज्यादा मेहनत आप करते हो, नहीं करते हो मेरे दोस्त। और देख लो कि उसने अंगूठे को काटा और फिर वापस से लग गया और जो उसका जीत था उसको उसने पूरा करके दिखाया और आज उसके पूरे गांव में उसका नाम होता है, उसके नाम से एक पूरा गेट बना हुआ है, दशरथ मांझी गेट। तो ये जिद आपको पालना है, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम नहीं कर सकते। जितने भी सीनियर लीडर है ना मेरे दोस्त, उन अगर वो इतनी आसानी से नहीं यहाँ पे उस इनकम तक पहुंचे हैं, उनके पीछे उनका मेहनत देखो,
आप लोग ने देखा होगा जो हमारे टीम ग्लोबल के फाउंडर यादवेंद्र सर, मैं आपको बता दूं जब पहली बार हमने यादवेंद्र सर से मुलाकात किया था ना, उनका हमने एक ही बात सुना था कि जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था फोरसाज को, 8 महीने तक घर से बाहर रहे थे, किसकी शादी है, किसके बच्चा हो रहा है, किसका बर्थडे है, कोई मैटर नहीं करता, खाना कब खाना है, नाश्ता कब करना है, रात कब हो रहा है, डिनर कब हो रहा है, ब्रेकफास्ट कब हो रहा है, टाइम का कुछ पता ही नहीं है। बस एक ही जीत था कि करना है तो करना है। वड़ा पाव समोसा खा के 8 महीना सर ने निकाला, और आज देख लीजिए कि सर की एक एक दिन की इनकम 10-10 लाख रुपए है। जितने भी सीनियर लीडर हैं आज अगर वो लाखों में इनकम कर रहे हैं तो उनके पीछे का उनका मेहनत देखिए। देखिए लाखों रुपया हर आदमी देखता है कि महेंद्र सर ने गाड़ी निकाल लिया, महेंद्र सर ने कार निकाल लिया, महेंद्र सर ने 3 महीने के अंदर $30,000 की इनकम कर लिया, लेकिन उसके पीछे उनका मेहनत कोई नहीं देखता, उनके पैरों के छाले नहीं देखते हैं, उनका मेहनत कोई नहीं देखता है। तो मेरे दोस्त, जो भी सीनियर लीडर आपको यहाँ मीटिंग के अंदर बताते हैं सिर्फ आपको सुनना ही नहीं है। मैंने एक ही चीज बोला कि यहाँ माइंडसेट का मीटिंग था, माइंडसेट हम कितना भी दे दे, मोटिवेशन कितना भी दे दे, मोटिवेशन 1 से 2 दिन चलता है, लेकिन अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है तो एक चीज जिद पालना है कि अरे यार जब महेंद्र सर कर सकते हैं, रामदेव सर कर सकते हैं, नेमराज सर कर सकते हैं, यादवेंद्र सर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करते। भगवान ने हमारे पास भी वही 2 हाथ 2 पैर, वही दिमाग दिया, सब कुछ हमारे पास वही दिया है, तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो आपको एक ही चीज करना है, बस डिसीजन ले लो, करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो सारे प्रॉब्लम कम पड़ जाएंगे, सारे बहाने आपके कम पड़ जाएंगे, और आप भी एक दिन इस बिजनेस के अंदर वो इनकम ले सकते हो जो आज सीनियर लीडर ले रहे हैं, राइट। तो बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है, कभी दोबारा मौका मिलेगा तो फिर हम आपको सेवा में हाजिर होंगे। बाकी आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, थैंक यू सो मच हरपाल सर जो आपने हमें इतने बड़े मंच पे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। आज के लिए सर इतना ही, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार मैसेज आपके और बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया हम सभी लोगों के लिए। और चलिए हमारे साथ में एक और कोहोस्ट साथी है, एक मिनट हम उन्हें भी सुनेंगे, वैसे भी हमारे जो टाइम है सेशन का वो ओवर हो चुका है 4 मिनट। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही शानदार लीडर है, मेरे मेंटोर भी है, मेरे को भी इस बिजनेस के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, इस बिजनेस में लेके आए थे। मैं एक इनवाइट करना चाहूंगा, सो प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर शिवम भारद्वाज सर। सर आपका मोस्ट वेलकम है सर, एक मिनट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हम सभी के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर हरपाल गंगवार जी, और थैंक यू मिस्टर महेंद्र मौर्य जी, थैंक यू अमन कुमार जायसवाल जी, बहुत ही शानदार आज का सेशन था। सभी साथियों को मेरा एक मैसेज है कि दोस्तों आंख पर क्या, जब घोड़ा आपने देखा होगा, वो जब घोड़ा चलता है तो आंख पर पट्टा बांध लेता है साइडों से लक्ष्य, और उसका जो उसको दिखाई देता है वो सिर्फ लक्ष्य। तो उसी तरीके से अपने साइड में पट्टा बांध लीजिए, कौन क्या बोल रहा है आपको नहीं सुनना है, अगर सुनना है तो एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। आप अपने फोकस कीजिए, अपने वर्क पे, अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए और लग जाइए। जब तक सफलता ना मिले तब तक रुकिए मत, कामयाबी एक दिन ऐसा आएगा आपकी शोर मचाएगी। तो बस लग जाइए जी जान से, मेहनत कीजिए, सफलता जब आपको मिलेगी तो आने वाले समय में हर व्यक्ति आपको जानने लगेगा और आपकी तरक्की देखकर आपके साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन होंगे। बट आपको उसके लिए पहले काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, डेडिकेशन के साथ लगना होगा। जब तक ये चीजें आपके अंदर नहीं होंगी, जोश जुनून जज्बा, आपका बिजनेस नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सेशन हुआ, समय कम है, मैं इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओवर टू हरपाल गंगवार जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों जैसे कि हमारा टाइम हो ही चुका है, तो लास्ट में मेरी तरफ से एक ही मैसेज है आप सभी के लिए कि इस बिजनेस में आप ज्यादा नहीं 6 महीना दिल से मेहनत कर लो, जिंदगी में कभी आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपको जॉब करने नहीं पड़ेगी, कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आज से 6 महीना पहले मैं भी एक जॉब करता था, 15,000 रुपये मेरी सैलरी थी, जॉब करता था, 500 रुपए मिलते थे पूरा दिन काम, 8 घंटे काम करने के बाद। बट आज 6 महीना पहले बिजनेस को ज्वाइन किया और आज करीब 15 लाख से प्लस की अर्निंग कर चुका हूँ इस बिजनेस के अंदर। ये जितना भी श्रेय जाता है वो मेरे मेंटोर है, जैसे मिस्टर शिवम भारद्वाज सर हो गए, महेंद्र मौर्य जी हो गए, प्रेम सर हो
गए, रवि सर हो गए, नेमराज सर और रामदेव सर, ये सभी मेरे मेंटोर, ग्रेट मेंटोर हैं जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो थैंक यू एवरीवन आप सभी लोग के लिए। लास्ट में मैं महेंद्र सर आप आगे का सेशन जो है एंड की तरफ लेके जाए और मीटिंग को क्लोज करें। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच ऑल गाइस। डियर फ्रेंड्स, हमारे सेशन का समय 7 मिनट ओवर हो चुका है, तो मिलते हैं कल 2 बजे सेम टाइम सेम लिंक सेम आईडी पासवर्ड के साथ में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए परिवार के साथ में, अपना भी ख्याल रखिए और अपने परिवार का।